हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल। वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो चैप्टर 6 है उसके सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसका भेजा था, आई होप आपने अच्छे से उसे सुना होगा, समझा होगा। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था कि जोडी ये कह रहा था कि वो जो है फ़ोन को घर लेकर आएगा और उनकी माँ ने उसे परमिशन दी थी कि वो जाए और लेकर आए। अब सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फ़ोन। अब जो जोडी है अपने आप उसके बच्चे के ऊपर विचार करने लगा। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। वे जो है दे पास्ट द अबंडेंट क्लियरिंग पे बिल्कुल स्पष्ट उसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल। इट वॉज अ पेयर दैट पाग वॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डोए एंड आई सा द फोन। उसने कहा कि नॉर्थ की तरफ कट मारो मिलविल, वो वहीं पर था जब पिताजी को सांप ने काटा था और हिरनी को हमने मारा था और मैंने उसके बच्चे को वहीं पर देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक की जो जोड़ी की क्या इच्छा हुई कि जो है मिलविल उसके साथ ना रहे। इफ द फोन वॉज डैड, यदि जो है बच्चा मर गया था और कुड नॉट बी फाउंड और नहीं मिला, तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो वह जो है उसको अपनी निराशा नहीं दिखा सकेगा। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, यदि बच्चा मिला, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उसका मिलना कितना प्यारा होगा। एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और इतना गुप्त उसका जो जब वो मिलेगा तो वो प्यार इतना होगा कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो उसने क्या कहा स्टूडेंट, ही सैड इट्स नॉट फार नाउ, कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन घड़ी जो घोड़ा है उसके लिए इन झाड़ियों में जाना, गहरी झाड़ियों में जाना मुश्किल है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, तो मैं क्या करूँ, मैं पैदल वहाँ पर जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, तो मिलविल क्या कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ते हुए डरता हूँ। सपोज यू गोट लॉस और गोट बिटन बाय स्नेक टू, अगर तुम कहीं खो गए और तुम्हें सांप ने तुम्हें भी काट लिया फिर, तो आई विल टेक केयर, तो लड़का क्या कहता है जोड़ी कि मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माई टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, क्योंकि मुझे लंबा समय लगेगा उसे खोजने में। इफ़ ही इज़ वेंडर्ड, अगर वो कहीं गुम हो गया, ले मी ऑफ राइट हेयर, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल यहीं पर छोड़ दो, देयर एंड देयर ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। अच्छा ठीक है, तो तुम ध्यान से जाना और तुम ये जानते हो कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाना है और फिर पूरब की तरफ। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड। तो उसने कहा हाँ, वहाँ लंबा सा एक पाइन ट्री है जिसके नीचे मेक से बियरिंग, जहाँ पे मैं जो हेल्प है, यानी कि ये जो पेड़ है तुम्हें हेल्प करेगा डायरेक्शंस की, जितना लंबा तुम जा रहे हो, जितनी दूर तुम जा रहे हो मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो पेड़ है इसकी ये निशानी है जो तुम्हें पता चलेगी। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हुप्स टू एंड देन कट टू द राइट, द स्क्रब वाज स्टिल। अब वह हुप्स की झाड़ियाँ जो है उन झाड़ियों में से जा रहा है, उसकी आवाज़ आती है, फिर वो राइट की तरफ कट मार जाता है। और ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ पीक्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। अब केवल उस इतनी शांति है वहाँ पर, केवल उसके चलने से, जो झाड़ियों पर चलने से आवाज़ आती है वो आ रही है। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शंस, वह खो जाएगा अगर वो उसने जरा सी भी गलती की डायरेक्शंस की। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर। तब एक पक्षी जो वल्चर है, जो कि मरे हुए जानवरों को खाता है, उसके सामने हमें उड़ता हुआ दिखाई दिया। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, वो ओक्स के पेड़ के नीचे से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वहाँ से आ रहा था। बजर्ड सेट इन सर्कल राउंड द कैरकस ऑफ द डोए। अब
जो वो जो बेजर्स था यानी कि वो जो सर्कल था पक्षियों का, वो जो डोए मरी हुई थी उसके चारों ऑफ, और वो घूम रहे थे उसके मांस खाने के लिए। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। वो अपनी चोंच से उस पर वार करते और फिर उड़कर चले जाते। ही थ्रो हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इन टू एन एडजेसेंट ट्री। अब वो उसके पास ही, वहाँ से मतलब उसका मांस का टुकड़ा लेते चोंच मारकर, और पास ही के पेड़ पर जाकर बैठ जाते। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। और उस हिरनी को जो है वो छोड़ जाते, और पक्षी जो है इस तरह लगातार आते, मांस का टुकड़ा लेते और पेड़ पर जाकर उसे खाने लगते। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। अब वह वहाँ पर जो घास है जहाँ पर उसने बच्चे को छोड़ा था, वहाँ जाता है। डिडन्ट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। और वो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कल की बात नहीं थी। द फोन वॉज नॉट देयर, बच्चा वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था उसे। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, कोई निशान नहीं था। द बजर्स क्लैक देयर विंग्स, केवल जो बड़े बड़े पक्षी थे अपने पंखों की आवाज़ कर रहे थे। इम्पेशिएंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अपना काम काम पर ध्यान, यानी कि क्या कर रहे थे, वो बार बार मांस ले रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। अब वह जैसे ही वापस उठता है तो उसे छोटे छोटे निशान दिखाई देते हैं जो कि बच्चे के होते हैं, जो कि रेत पर उसके फुट प्रिंट दिखाई देते हैं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स। अब जो रात को जो बारिश आई थी उसने सारे जो भी निशान थे सिवाय जो ये पक्षी हैं, पक्षियों की जो पक्षियों का झुंड है, इनकी आवाज़ें हैं, इनका उकरना के अलावा सब निशान जो थे उस बारिश ने जो थे मिटो दिए थे। अब स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब जैसे ही वो पीछे की तरफ उड़ने लगा तो उसने क्या देखा कि वो पीछे की तरफ लुढ़का। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब उस बच्चे ने उसके अपना पैर जो चेहरा था वो ऊपर की तरफ उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विद ए वाइड वेंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। अब जैसे ही वो पीछे की तरफ चढ़ने लगा था तो उसका पैर उस बच्चे के साथ लगा और वो गिरकर पीछे की तरफ चला गया। और उसने जैसे देखा तो वहाँ कौन था, हिरनी का बच्चा था जो बैठा हुआ था डर डर से, भूख से। और जैसे ही उसने जोड़ी की तरफ देखा उसने अपना मुंह हिलाया, मुंह ऊपर की तरफ उठाया, और उसकी जो आंखें थी लिक्विड आइज वाली की आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज क्यूरिंग, वह कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन, उसके अंदर शक्ति नहीं थी बढ़ने की दौड़ने की। जोड़ी कुडंट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब जो जोड़ी था वह जोड़ी पर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसे मूव करता ही विस्पर्ड इट्स मी, वो धीरे से बोला कि मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज। अब उस हिरनी के बच्चे ने अपने नोज से सूंघा, उसकी सुगंध सूंघी। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेट इट ऑन द सॉफ्ट नेक। वह उसके एक हाथ पर चढ़ा और अपनी गर्दन को रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस। अब उसके टच करते ही वो बहुत खुश हुआ। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। अब वह उसे लेकर जो है चला, उसे अपने पास लिया और उसे लेकर मुड़ा। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपने बाजुओं को उसके शरीर पर लगाया। लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट। अब उसका कांपना जो था थोड़ा कम हुआ, बट इट डिडंट डोंट स्टिल, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुआ। तो जैसे ही वो धीरे धीरे लेकर बच्चों उस हिरनी के बच्चे को जो है लेकर चला, तो ऐसे लगा जैसे कि एक चीनी मिट्टी का खिलौना है और वो उसे नीचे रखेगा तो टूट जाएगा। तो उसकी जो स्किन थी बहुत मुलायम थी, वो बहुत पतला सा लंबा सा था, और उसके घास की खाने की जो स्वीट सेंट थी उसके मुंह से आ रही थी। वह धीरे धीरे उठा जो है, उसने धीरे धीरे हिरनी के बच्चे को उठाया जमीन से, और उसकी जो टांगे हैं
वो अपने उसने हाथों में लिया उसके टांगों को, वो टांगों से धीरे धीरे लंगड़ा लिंपली यानी कि लंगड़ा होकर चल रहा था। जो देखकर दे वर सरप्राइजिंग लॉन्ग एंड ही हैड नो हॉइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। अब उन्हें उसे उठाया और ज़्यादा क्योंकि वो नहीं चल सकता था इसलिए उसने अपने हाथों को हाथों में उसे उठा लिया और वह डर रहा था कि कहीं वह किक ना कर दे, उसे ब्लीड ना कर दे और अपनी माँ का हत्यारा समझकर उसे मार ना दे। और वह उसे जो है झाड़ी के से बड़ी धीरे धीरे किनारे पर ले गया। बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत बर्डन था उस पर, उसकी जो टांगे थी झाड़ियों में मतलब फंस रही थी और उसे निकाल कर उसे धीरे धीरे वहाँ से निकालना, उसे आज़ाद कर आज़ादी से आराम से लेकर जाना बहुत मुश्किल था। फिर भी जो जोड़ी था उसने बहुत आराम से उसे निकाला। उसने कोशिश की कि उसके चेहरे पर कोई भी झाड़ी या कोई भी कांटा ना चुभ जाए और उसके जो सिर था उसका सिर क्योंकि हिल रहा था तो बहुत कमज़ोर था, उसका हृदय जो था हृदय विदा मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम अपने हृदय से उसे लगा दिया और मैं धीरे धीरे करके मतलब उस झाड़ियों से निकलने लगा और घर की तरफ चल दिया। ही स्टॉप टू रेस्ट टू सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। अब उस वह थोड़ा सा आराम करने के लिए रुका और उसने जो हिरनी के बच्चा था उसे नीचे रखा जो कि उसकी टांगे लड़खड़ा रही थी और उसने उसकी तरफ देखा और ब्लीटेड उसे यानी कि ब्लीड करने लगा यानी कि बोलने लगा जैसे हिरनियाँ करती हैं, आवाज़ निकालने लगा। अब वह उसकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। आई गेट माई ब्रेथ, मैंने सांस चैन की सांस ली। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसे याद आया कि उसके पिताजी ने कहा था कि फ़ोन जो है तुम्हारा अनुसरण करेगा अगर तुम उसे एक बार टच कर लोगे, यानी कि कोई भी जानवर को अगर हम प्रेम दें प्यार दें तो अगर हम उसे छू लें तो वो हमारे पीछे पीछे अनुसरण करने लग जाता है। ये बात उसे याद आई। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने ऐसे ही धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, अब जो फोन था उसने भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक इट एंड वॉकड अवे अगेन। वह उसके पीछे 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 चल रहा था, वो फिर थोड़ी देर चला, फिर जो बच्चा था फिर पीछे पीछे आया लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों से, क्राइड पीटियसली बड़ी दयापूर्ण भाव से आवाज़ करते हुए। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, और उसकी इच्छा थी उसका पीछा करने की यानी कि उसके साथ साथ चलने की। इट बिलोंग टू हिम, तो वह उसके साथ चल रहा था। इट वॉट हिज ऑन, ये उसका अपना था। ही वॉज लाइट ही डिड विद हिज जॉय, वो बट अपने आनंद को जो है उसके साथ ठीक से सोच पाने में असमर्थ था। ही वॉन्टेड टू फोंडल इट, वह उसे कुछ करना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, वह उसके साथ खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट कॉल टू ही कम टू हिम, वह बुलाकर उसे अपने पास बुलाना चाहता था। ही डेयर नॉट अलार्म इट, वह उसे डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम, वह इसे उठाकर अपने साथ ले जाना चाहता था अपनी बाजुओं में। ही सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, उसे ऐसा लगा वो बिना किसी सहारे के नहीं चल पाएगा, तो उसने उसे अपनी बाजुओं में दोबारा उठा लिया। अब उसकी बाजुओं में जब दर्द होने लगा तो वह उसे उठाना छोड़ देता। वह उसे फिर धीरे धीरे चलाता कि उसके पीछे पीछे चले और थोड़ी दूरी पर वह चलता तब उसे दोबारा वह उसे उठा लेता। अब उसका घर जो है ज़्यादा दूरी पर नहीं था तो उसने जो है वह सारा दिन चलता रहा, पूरी रात चलता रहा और वह भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। वह गीला हो गया था पसीने से, लेकिन एक ठंडी हवा जो चल रही थी जून के महीने की सुबह सुबह, उस ठंडी हवा ने उसको थोड़ी राहत पहुंचाई। जो स्काई था यानी कि जब सुबह हो जाती है आकाश कैसा हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद क्लियर, तो जो स्काई था बिल्कुल क्लियर हो गया था। और जो ब्लू चाइना कप में जैसे कि पानी डाल दिया जाए ऐसा स्काई लग रहा था। और वह जो हरी हरी जो झाड़ियों को आराम से देख सकता था, जो कि रात की बरसात के बाद जब हरियाली आती है उस हरियाली को वो देख सकता था। उसने एक पट्टी को टटोला जो कि जिसके ऊपर उसने
फ़ोन को मैनेज किया और तब उसे एक विचार आया कि वो जो है इसे घर तक ऐसे ही चला कर ले जाएगा। अब वो पैनी के बेडरूम पर जो कि जहाँ पे भी फ़ोन है वहाँ पर चला वहाँ पर गया, तो फ़ोन भी उसके पीछे पीछे चल कर गया। लेकिन जैसे ही जो फ़ोन है कुछ ना करने की इच्छा से वह कूद कर उसके पास गया। उसने उसे उठाया और अपने पिताजी पैनी के पास जो कि सोए हुए थे उनको उठाया, लेटे हुए थे वहाँ पर गया। छोड़ी ने कहा, माँ देखो। पैनी जो है उसने अपने सिर को ऊपर उठाकर देखा तो जोड़ी उसके सामने खड़ा था जो कि फ़ोन को जिसने पकड़ा हुआ था। अब पैनी जो है पैनी की आंखों में एक चमक थी फ़ोन को लेकर, और उसने कहा कि उनके पिताजी ने कहा, बेटे मैं तुम पर एक प्राउड करता हूँ। तो जोड़ी किचन में गया उसने, और जो फ़ोन था वो भी लंगड़ाते हुए टांगों से उसके पीछे पीछे गया, और जो सब सुबह उसने किचन से दूध लिया सुरक्षित रूप से और जिसके ऊपर क्रीम आई हुई थी तो उसने क्रीम को हटाकर दूध को जग में डाला, उसने दूध को पौर किया और छोटे से कसोरे में उसको डाल दिया। और अचानक दूध की स्मेल जब उसे आई तो उसने उसे अनिश्चित रूप से फर्श पर उसे गिराया और फिर धीरे धीरे मिल्क को वो बट को कॉर्ड से पीने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स ऑफ द मिल्क। अब वो क्या करता, अपनी फिंगर को दूध में डुबोता और फ़ोन के मुंह पर लगाता, इस तरह वो धीरे धीरे उसके मुंह को गीला करता। और अब क्योंकि फ़ोन को भूख लग रही थी तो वो बड़ी ग्रीडली से उसे दूध को पीता। अब बड़ा उत्तेजित होकर जो फ़ोन था उसे पी रहा था, वे बार बार अपनी फिंगर्स को दूध में डालता पोर करता और फिर जो है फ़ोन को पिलाता। इस तरह जो है वो उसे जब उसका पेट भर गया तो वह फुफकारने लगा। तो अब जो जो ही फ़ोन था अब उसका पेट भर गया तो वो खुश हो गया, और लंबे समय तक जब उसने दूध पिया उसके हाथों से तो जो फ़ोन वाज कंटेंट इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमली कि वो सपनों की दुनिया में सो गया। इट वाज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, इट्स स्मेल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ, द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन ए स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। अब जब दूध वो पीने उसका पेट भर गया तो लास्ट का जो दूध था थोड़ा सा वो गर्गलिंग करके पी गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने एक बच्चे को देखा तो उसके मन में कितनी दया का भाव आया, कितनी दया आई उस बच्चे के लिए जो कि एक बेसहाय था, अपनी माँ के बिना कैसे रह सका, कैसे रह सकेगा, ये फीलिंग उस छोटे से बच्चे के अंदर आई। तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। जिस तरह की जोड़ी ने एक छोटे से बच्चे को जो कि अपनी माँ के बिना कैसे रहता यह सोचकर उसको ढूंढने में, मतलब उसके मन में एक निष्ठा थी, उसने इतनी कठिनाइयां पाकर भी उसे ढूंढा और उसे घर लेकर आया, और उसके मन में कैसी इच्छा थी कि वो अपना दूध भी उसे दे देगा, उसे पालेगा पोसेगा और उसके साथ खेलेगा। तो हमें भी हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो आप इसे अच्छे से सुनेंगे समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।